आई जाओ क्या क्या पढ़ा तुमने पूरे ऑर्थोपोडा में ठीक है फिर मुझे मत बोलना हम लोगों ने ये पढ़ा एकदम ध्यान से सुनना ठीक है क्योंकि जहाँ नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी ठीक है एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो अभी जो जो है बूटी आपको देने वाले ना वो समझ में आएगी नहीं ये लार्जेस्ट फाइलम होता है नौ लाख स्पीशीज है जिसमें इसकी क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी है जिसमें साढ़े सात लाख स्पीशीज इनका हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट है बहुत सारे वेरियंट हैं इनके हैबिटेट में ठीक है ये कहीं भी रह सकते हैं पानी में लैंड में पैरासाइट हो सकते हैं टेरेंट टेरेस्टिल टे, हो सकते हैं उड़ने वाले हो सकते हैं कॉलोनी में कॉपरेशन के साथ रह सकते हैं ग्रिगेरियस बिना कॉपरेशन के साथ ये हरविवोर कार्नीवोर ओमनी वोर संग संगस मतलब कि रक्त चूसने वाले या आ, फूलों का रस चूसने वाले हो सकते हैं डर्टी चीज़ों को खाने वाले भी हो सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड है ऑर्गन सिस्टम जर्म लेयर वेल डेवलप्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक और वेल डेवलप्ड सीलो में मतलब ये सिलोमेट है वो भी साइजोसिलोम है ठीक है ओके सिमेट्री इनकी बायोलिट्रल सिमेट्री है जो कि एक वेल डेवलप्ड सिमेट्री है सेगमेंटेशन की बात करें तो दे है सम ऑफ द इंसेक्ट्स आर विंगलेस ओके बॉडी इसकेलेटन इनका काइटेनियस है जो इसको एक एडवांटेजियस स्ट्रक्चर और एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है ठीक है इनकी बॉडी हेड थॉरिक्स और एबडोमिन में डिवाइड होती है कभी कभी नेक नहीं पाई जाती जिसकी वजह से हेड थॉरिक्स से ज्वाइन हो जाता है जिससे फैलोथॉरिक्स कहते हैं सबसे पहले स्ट्रेट मसल का इवोल्यूशन यहीं से शुरू हुआ था जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है दिस इज द डायग्राम ऑफ द काक्रोच फ्रॉम द एनसीआरटी फिर हमने समझ जा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इनका कंप्लीट होता है दे हैव डिफरेंट रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम दे हैव इवन एंजाइम फॉर द द डाइजेशन ऑफ स्टार्च ठीक है ना उसके बाद मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट फंक्शन ऑफ द माउथ पार्ट ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा ग्रीन ग्लैंड कॉक्सल ग्लैंड और मिल्पीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस नाव रेस्पायरेटरी सिस्टम है यू हैव स्टडी द बुक गिल्स बुक लंगस एंड ट्रैक्यल सिस्टम इन द डिफरेंट क्लासेज नाव दिस इज द ट्रैक्यल सिस्टम फिर आपने पढ़ा सेंसरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन में मैंने आपको कंपाउंड आइज बताई इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्पलाइज और मैंने आपको बताया एंटीनाज जो कि बदलते हुए एन्वायरमेंट और अपने प्रिडेटर्स को पहचान लेते हैं ना उसके बाद मैंने आपको सर्क्यूलेटरी सिस्टम बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि इनका सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप का जबकि इन्हें का क्लोज टाइप का ठीक है दे हैव अ टिब्यूलर हार्ट विद मेनी चैंबर्स ऑफ द हार्ट कॉक्रोच इवन हैव द थर्टीन चैंबर्स ऑफ हार्ट ठीक है दे डोंट हैव ब्लड वेसल एंड शोज द ओपन टाइप ऑफ सर्क्युलेट्री सिस्टम ठीक है दे हैव कलरलेस ब्लड और अगर कलर है भी तो इनके पास uh, हीमोसाइनिन होता है विच इज द ब्लू कलर एंड कॉपर कंटेनिंग ब्लड ठीक है नाउ सो देर इज़ नो रिलेशनशिप इन द क्लास इज सेक्टर बिटवीन द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेट्री सिस्टम जो कि ह्यूमन बींग में होता है नर्वस सिस्टम दे हैव डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉट नाव दे हैव एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट इज फर्स्टली स्टार्टेड फ्रॉम द ऑर्थोपोडा एंड वी हैव स्टडीड द फीरोमोन्स ठीक है बॉम्बी कोल इन द बॉम्बेक्स मोरी विच इज द सिल्क वॉम ठीक है नाउ Reproduction, sexes are separated, hai, fertilization external or internal, development direct or indirect. We have studied also uh, about the larvae and this is the some common examples in the different categories of the orthopoda. Now we have studied the some glorified characteristics of the orthopoda over the annelida. ठीक है हेड होता है होते इवोल्यूशन ऑफ मसलोस्केलेटन है है, है, फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल इज क्रैब्स एंड प्रॉन्स ओके चिलोपोडा एग्जाम्पल इज स्कोलोपेंड्रा विद्रेड लेग्स डिप्लोपोडा विद अ लेग एग्जाम्पल इज ज्यूलस मिलीपेड इंसेक्टा इंसेक्टर का एग्जाम्पल तो अपन ने पढ़ा ही है ठीक है एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टर इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द ऑर्थोपोडा एरेक्डा द एग्जाम्पल इज स्पाइडर टिक्स एंड माइट्स ठीक है ना ठीक है इतनी सारी चीजों को मैंने मुश्किल से पांच मिनट के अंदर बता दिया कि इस पूरे साढ़े तीन घंटे तीन घंटे तीन घंटे दो घंटे आधे हाँ वही पौने तीन घंटे में आपने पढ़ा क्या ठीक है इन पूरे लेक्चर्स में हम माने ढाई घंटे में आपको मैंने ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा दिया ठीक है सब कुछ पढ़ा दिया पर आज आपको शुरू करने वाली हूं मैं स्पेसिफिकली एनसीआर बूटी जो कि हम हर फाइलम के बाद शुरू करते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट एक एक लाइन को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि एनसीआर है ना बिल्कुल कुछ भी मैंने हटाया नहीं एज इट इज ऐसे लाके चिपका दिया चलो आ जाओ हाइलाइटर सेलेक्ट कर ले क्या कौन से कलर का अच्छा लगता है बताना मुझे ठीक है येलो वन इट लार्जेस्ट फाइलम हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ़ द ऑर्थ्रोपोडा प्रेजेंट इन टू द अर्थ अराउंड जो हम लोग जान चुके वो करीब साढ़े नौ दस लाख है ठीक है एनिमिलिया की सबसे लार्जेस्ट फाइलम होती है ठीक है इसमें हर प्रकार के इंसेक्ट्स आते हैं इवन मैं कहूं कि 90 स्पीशीज जो आपको आपके घर में दिखाई देती है वो ऑर्थ्रोपोडा की ही होती है ठीक है ओवर द थ्रू टू थर्ड ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड ठीक है आपके अर्थ पे पाए जाने वाली करीब दो टू थर्ड पार्ट ऑफ द जानवर मेरी बात समझ रहे हैं आपके अर्थ पे पाए जाने वाले टू थर्ड जानवर ऑर्थ्रोपोर्ड ही होते हैं ठीक है इनके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वेल well डेवलप्ड वाला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम दे हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे हैव डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंड सो दे हैव वेरी वेल डेवलप इवन दे हैव नर्वस सिस्टम टू सो दे हैव वेल डेवलप नर्वस सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ठीक है नॉट वेल डेवलप्ड बट डेवलप्ड तो हम कह ही सकते हैं ना तो दे हैव डेवलप्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिट्री हम लोग हम लोग भैया प्लेटे हेलमिन से शुरू कर चुके हैं प्लेटे हेलमिन से सिमिट्री मेरे लाल होनी चाहिए बायोलिटरल और ऑब्वियसली जो है आगे चलेंगे हम लोग पूरा देखेंगे तो बायोलिट्रल ही चलेगी ठीक है है. दे हाँ जर्म और, और इन बिटवीन दे लेयर देर दे इज स्पेस कॉल्ड ए सिलोम तो ये सिलोम एनिमल होते हैं सीलोम कहां से शुरू हुआ है एनिलिडा से शुरू हुआ है ट्रू सिलोम ठीक है नाउ द बॉडी इसका सब सबसे जो इस फाइलम का जो सबसे एडवांटेजियस कैरेक्टर है समझ में आई बात जैसे तुम जैसे हर शरीर का एक अपना अच्छा कैरेक्टर होता है जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा आपके बॉडी में क्या है तो मैं बोलूँगी दांत थे अब तो टूट गए गिर गई थी मैं एक बार तो ऐसा होता है वैसे इनकी बॉडी में इनका ग्लोरीफाइड कैरेक्टर क्या है इनका ग्लोरीफाइड कैरेक्टर है भैया इनका

नाउ इनकी बॉडी जो होती है वो भैया तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है हेड थॉरिक्स एंड एपडोम ठीक है ओके नेक भी होती है पर अगर नेक नहीं है देन द हेड इज डायरेक्टली ज्वाइंट टू द दॉरिक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज सीफेलोथॉरिक्स ठीक है ना दे हैडेज ठीक है दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस इनके शरीर में अपेंडेजेस ज्वाइंट होते हैं ये या तो पैर और पंख हो सकते हैं ठीक है Orthos का मतलब ही होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है मेरे लाल ऑर्थ्रो पोडा ठीक है रेस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं ठीक है रेस्पायरेटरी ऑर्गन है इनके गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और सैक्यल सिस्टम ठीक है बुक लंग्स किसके पास होते हैं एक्सक्लूसिवली एरेडा क्लास के पास ठीक है सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन टाइप का है ट्यूबुलर हार्ट और ये हार्ट बहुत सारे चैम्बर्स का हो सकता है सेंसरी ऑर्गन के लिए इनके पास होते हैं एंटीना और आईज आईज होती हैं इनकी कंपाउंड सिंपल कंपाउंड आईज क्या होती हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल आईज जो कि मोजैक विजन देती हैं मतलब एक बार में तुम बहुत सारी चीजें देख सकते हो बेटा पर सब कुछ धुंधला दिखेगा ठीक है स्टेटोसिस्ट होते हैं इनके पास जो कि इनकी बॉडी को बैलेंस करते हैं कि भैया इस डायरेक्शन में उड़ना है इस डायरेक्शन में उड़ना है इस डायरेक्शन में उड़ना है ठीक है ऐसे जाके मुंह दीवार पे नहीं भिड़ लेना है तो स्टैटोसिस्ट इनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन भी इनका थोड़ा सा बिल्कुल डाइवर्स टाइप का है एक्सक्रीशन इनका मेल्पीजियन टिब्यूल सा होता है नॉट एग्जैक्टली एक्सक्रीशन उनका रेस्पिरेशन जो है डाइवर्स टाइप का ठीक है इनका एक्सक्रीशन मेलपीजियन टिब्यूल से होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में करीब सौ से एक सौ पचास थ्रड लाइग स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप मेल्पीजियन टिब्यूल कहते हैं बॉडी कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम से ये वेस्ट को कंटिन्यूसली कलेक्ट करती हैं और एनस से बाहर करती हैं ठीक है दे आर मोस्टली डायोशियस मतलब मेल और फीमेल इनके में अलग अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन <coughs> यूजुअली होता है इंटरनल पर कुछ एक्विटिक फॉर्म में एक्सटर्नल भी हो सकता है ठीक है दे आर मोस्टली ओवी पैरिस स्कॉर्पियो की बात छोड़ देते हैं दे आर वी वी ओके नाउ डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है आपने बहुत सारे रेगुलर मैगॉड माइसिस ठीक है कैटरपिलर और आपका बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं ठीक है जोया प्रोटोजोया लार्वा तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है क्रस्टेशिया के लार्वा बताए मैंने आपको इंसेक्टा के भी लार्वा बताए मैंने आपको ठीक है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो कि एनसीआर से ही मैंने आपको लिया था एपिसडोसेटा हनी बी बॉम्बेक्स मोरी सिल्क वॉर्म लेसिफर लाका लाक इंसेक्ट ठीक है ओके ये एज इट इज मैंने आपको लगा के दिया था ना वहां पे ठीक है बस ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा वेक्टर्स में एनाफ्लिस मलेरिया क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस एडिस फैलाता है तो बहुत सारी बीमारियां डेंगू फैलाता है एलिफेंटियासिस फैलाता है ग्रिगेरियस पेस्ट जो कि साथ रहते हैं पर कोई कम कॉपरेशन नहीं रखते हैं एग्जाम्पल इज लोकस्टा और लोकस टिड्डी टिड्डी ठीक है होती बड़ी टिड्डी यह है टिड्डी ठीक है लिविंग लिविंग फॉसिल, फॉसिल याद रखिएगा कि इनके जो क्या कह सकते हैं इनका जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी स्पीशीज इनके एक्सटेंट हो चुकी हैं। ये अभी भी जीवित है ये अभी भी आपको मिलती है पर उस समय से लेकर आज तक इनमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ ये वैसी ही है और वैसी ही रहेंगी जब तक एक्सटेंट ना हो जाए नो चेंज ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीआरटी बूटी पर एग्जाम्पल बच गया है ठीक है देखो 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 ठीक है सबसे पहला एग्जाम्पल है लोकस्ट का ग्रिगेरियस पेस्ट होता है ये ठीक है बी एग्जाम्पल है बटरफ्लाई का ठीक है और एक है स्कॉर्पियन का और एक है प्रॉन का ठीक है तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया एनसीआर टी बूटी ठीक है तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी मैंने एक एक लाइन एक एक लाइन आपको समझा दी है किसी भी लाइन में किसी भी प्रकार का पॉइंट वन परसेंट भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो आपको समझ में आया कि मैं पूरा फाइलम पढ़ाने के बाद ही क्यों पढ़ाती हूं क्योंकि पूरा फाइलम पढ़ाने के बाद मुश्किल से दस मिनट नहीं लगते इसको कंप्लीट करने में ठीक है एक बार पूरा फाइलम अच्छे से पढ़ना और फिर एनसीईआरटी बूटी पे आना देन यू विल रिकॉग्नाइज कि हमको ये चुटकियों में ऐसे मिलती है ठीक है और बायो एक्चुअली पढ़ना ही हमको ऐसे है कि वो उंगलियों में ऐसे चले ठीक है कुछ भी टफ नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी बूटी तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्लास में नए फाइलम के बारे में बात करेंगे जिसके पास एक बहुत यूनिक फीचर होता है बात करते हैं क्या है वो तब तक घर पे रहिए अपना संडे इंजॉय करिए और वीडियोस को देखते रहिए थैंक यू सो मच